नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर पे। दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सर्बिया जाके जॉब करना चाहते हैं और असमंजस है कि सर्बिया जाने के बाद कौन सा करेंसी में सैलरी मिलेगी, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहें, क्योंकि इस तरह का डाउट्स बहुत लोगों का था और मैंने सोचा कि वीडियो लेके आता हूं, ताकि जिस किसी का भी मन में ये डाउट्स होगा कि सर्बिया पहुंचने के बाद कौन सा करेंसी में सैलरी मिलता है और आप कैसे पैसा अपना घर भेज सकते हैं, तो इन तमाम बातों को आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो में अगर तक बने रहें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो मेरा गुजारिश, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर दिन मिलता है इस चैनल से, जो आपका करियर के लिए, आपका जॉब्स के लिए, आपका फॉरेन एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। शुरू करते हैं। दोस्तों सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है। दोस्तों ये शेंगेन में नहीं आता है, लेकिन ये यूरोप कंट्री का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। जहां पर अगर आपको जॉब मिल जाता है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, तो आपको कौन सा करेंसी में सैलरी मिलता है आप सोचते हैं। जाहिर सी बात है, आपने ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि चूंकि ये यूरोपियन कंट्री में आता है तो यहां पर यूरो में सैलरी मिलता होगा, ठीक है। और कई लोग सोचते होंगे कि नहीं, यहां पर जो लोकल करेंसी है उसमें सैलरी मिलता है, सोचते होंगे ना। लेकिन दोस्तों जब भी आप जाते हैं कोई जॉब में, दूसरा किसी जॉब के बारे में बात नहीं करूंगा मैं स्पेशलाइज्ड होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स या होटल मैनेजमेंट जो भी काम करते हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपका सैलरी पहले तो अकाउंट में आएगा। जैसे ही आप इंडिया से जाते हैं सर्बिया में जाने के बाद आपका अकाउंट ओपन होता है। अकाउंट के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है, सिर्फ आपका पासपोर्ट होना चाहिए और आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, आपका अकाउंट बन जाता है, कंपनी आपके नाम में ओपन करती है। और कंपनी आपका जो भी सैलरी होता है, चाहे जितना भी सैलरी मिले आपको 800, 900 यूरो, 700 यूरो, 500 यूरो, जो भी है, जितना भी आपका फिक्स हुआ है, वो सैलरी क्रेडिटेड होता है आपका बैंक अकाउंट में, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपका जो सैलरी जो भी ट्रांजेक्शन होता है ये या तो डॉलर से होता है या तो यूरो से ही होता है, ना कि लोकल करेंसी। सर्बिया का लोकल करेंसी दोस्तों सर्बियन दिनार, ठीक है। इसका जो वैल्यू है इंडियन रुपए से बहुत कम है, समझ गए आप। लेकिन आपका जो सैलरी है ये मिलता है यूरो या डॉलर में, और ये तीनों करेंसी वहां चलता है दोस्तों। लेकिन वहां का जो नेशनल करेंसी है वो है सर्बियन दिनार, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यूरो है, आपके पास डॉलर है, आपके पास सर्बियन दिनार है, तो तीनों करेंसी से आप सामान खरीद सकते हैं, चाहे कुछ भी खरीदना चाहें आप, कोई रोक ठोक नहीं है। और अगर आपको एक्सचेंज करना है तो यहाँ हर 10 कदम पर, हर मतलब आधा किलोमीटर पे आपको मिल जाएगा वेस्टर्न यूनियन और कई तरह के मनी एक्सचेंज कंपनी मिल जाएंगे आपको, जहां पर आप अपना मनी को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप दूसरा कोई जॉब कर रहे हैं, होटल के अलावा दूसरा जॉब करते हैं, ठीक है, और आपको अगर लोकल करेंसी में सैलरी मिल रहा है, जैसे कि आपको सर्बियन दिनार में अगर आपको सैलरी मिल रहा है, तो यहाँ जब आप पैसा भेजते हैं अपना घर में, अपने देश में, आप सर्बिया से कोई, जैसे कि आप भारत से हैं, इंडिया से हैं आप, और अगर आप भारत में पैसा भेजते हैं अपने परिवार को, अपना फैमिली मेंबर को, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है जब आप ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि आपके पास वो दिनार है सर्बियन दिनार, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर या यूरो में, फिर आप पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एक्सचेंज करते हैं प्राइस, तो आपको ज्यादा पैसा देने को पड़ता है, करीब करीब, मतलब एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा मैं यहां पर, लेकिन हाँ आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है, ठीक है, जो आपका लॉस होता है। इसीलिए होटल इंडस्ट्री में जितना भी जॉब करते हैं दोस्तों, आपको यूरो या फिर डॉलर में ही सैलरी मिलता है। और आप जब ट्रांसफर करते हैं पैसा, ठीक है, तो अगर आप कहीं भी जाते हैं और मतलब यूरो से या फिर डॉलर से ट्रांसफर करते हैं इंडियन रूपी में, तो कहीं ना कहीं वो कम मतलब चार्जेस पड़ता है। जब भी आप पैसा भेजना चाहें अपने घर, ठीक है, तो आपको हर समय कोई थर्ड ऐप का यूज करना चाहिए। थर्ड ऐप का यूज करते हैं तो आपको कम चार्जेस लगता है।
अगर आप कोई मनी एक्सचेंज से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो ये था डिटेल्स। अगर आप सर्बिया में काम कर रहे हो या फिर करने जाने चाहते हो, ठीक है, तो वहां का जो सैलरी है दोस्तों वो यूरो या फिर डॉलर में ही मिलता है। जब आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के दौरान आप इस बात को क्लियर जरूर कर लीजिएगा कि आपका जो सैलरी है वो कौन सा करेंसी में मिलने वाला है, डॉलर या यूरो या फिर लोकल करेंसी, और उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए कि आपको ज्वाइन करना है या नहीं। अन्यथा आप सोचेंगे कि यार मैं ठगा गया, मुझे कंपनी ने झूठ बोला, तो ऐसा नहीं है। हर कंट्री का अपना एक अलग रूल होता है और सर्बिया का अपना एक अलग रूल है। ठीक है, जैसे आप जाते हैं, जाने से पहले अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। और जब भी आप इंटरव्यू देते हैं सर्बिया के लिए तो ये दिमाग में रख लीजिए, चाहे आप एजेंसी के थ्रू जाएं, चाहे आप डायरेक्ट कंपनी में जाएं, ये बात को जरूर एक बार छेड़ दीजिए कि कौन सा करेंसी में आपको सैलरी मिलने वाला है। लेकिन अगर आप होटेलियर हैं तो बेशक आप निश्चिंत रहें कि आपका जो सैलरी है वो ज्यादातर डॉलर या यूरो में ही मिलता है। आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा रिगार्डिंग योर सैलरी और करेंसी। अगर आज का हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और एक लाइक तो बनता ही है यार। मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।